Hello students, myself J.P. Verma. Today I am telling you about the wood. How is the wood produced, colored, and steps which are taken to prepare wool. Now I am telling you, we start from the starting of rearing the seeds. Generally क्या है कि हम एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जैसे कि ये सीड्स हैं, उनसे मोस्टली हमें वूल मिलती है, सबसे ज़्यादा सीड्स से मिलती है, तो हम बात करेंगे सीड के बारे में. तो यहाँ सीड से जो वूल मिलती है, उसके बोलेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग सीड्स. तो जो रियरिंग पालना और उनकी एक ब्रीड जिससे हमें अच्छी वाली वूल मिल सके, दैट अच्छी वूल के लिए हमें अच्छी ब्रीड वाली सीड्स को पालना पड़ता है. अच्छी से मतलब होता है कि उसके बाल अच्छे हों, थिकनेस हो, लेंथ ज़्यादा होती हो, कलर अच्छा हो, और उसके साथ साथ वूल के कुछ करेक्टर्स हैं कि फाइबर्स के ऊपर थोड़े हेड स्ट्रेप होते हैं, धागे जैसे रचना है, वो वूल की क्वालिटी को अच्छा बनाती है. तो ये सब उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो इन प्रॉपर्टीज के लिए क्या करते हैं कि अच्छी वाली ब्रीड की भेड़ों को पाला जाता है और उनसे अच्छी तरह से उनको प्राप्त किया जाए. नाउ हम बात करते हैं कि सीड्स आर हर्बिवोर्स. ये सभी प्लांट्स को पसंद करती हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं प्लांट्स लीव्स एंड ग्रास. देन वूल यूजिंग सीड्स. अच्छा, ये सभी सीड्स तो ये खाती हैं, ठीक है, बट जब हमें ऊन प्राप्त करनी है तो हमें उन्हें स्पेशल टाइप का फूड देना पड़ता है. स्पेशल टाइप का फूड जो है वो क्या है, वो इसलिए क्योंकि वूल जो है इज अ प्रोटीन, और अगर सीप को हम प्रोटीन ज्यादा देंगे तो वूल ज्यादा प्राप्त होगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी और अच्छी क्वालिटी की भी होगी, लंबे फाइबर भी बनेंगे. तो इसलिए प्रोटीन रिच फूड उन्हें देना पड़ता है, और प्रोटीन रिच फूड मिक्सचर करके फूड के साथ देते हैं, तो वो है कॉर्न, मक्का, पल्सेस, ज्वार एंड ऑयल केक्स. ये चीज़ें अगर उनको बकरी के भेड़ को मिक्स करके देते हैं देन अच्छी क्वालिटी की फूड पैदा होती है, उनके बाल अच्छे आते हैं और लॉन्ग हेयर्स होते हैं और शाइनिंग अच्छी होती है. दिस प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स टू ग्रो फास्टर, कर्ली एंड शाइनी हेयर्स. और अब हम प्रोटीन वाला रिच फूड देंगे, प्रोटीन वाला देंगे तो उससे वो जल्दी बनेंगे, शाइनी भी होंगे और जल्दी उनके साथ साथ वो कर्ली, मतलब कर्ली बोलते हैं थोड़ा जैसे वो बात टेढ़े होते हैं उस तरह से, कर्ली होने से फायदे क्या है कि ऊन की जो क्वालिटी है ऊन की वो अच्छी हो जाती है और वो एयर ट्रैप्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाती है. अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग ऑफ सीड्स आर प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑन क्वालिटी ऑफ वूल. अब कौन सी ब्रीड को पाला जाए, कौन सी को ना पाला जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक तो उनके पाए जाने वाले एरिया पर, कि कौन से रीजन, कौन से क्षेत्र में हमारे इंडिया में कौन सी तरह की सीड्स मिलती हैं, तो उनसे किस तरह की वूल ऑब्टेन होती है, दैट इज डिपेंड ऑन द डिमांड. अब मान के चलो कि हमें अच्छी बढ़िया कंबल वाले या स्वेटर वाले या कारपेट वाले, कौन सी वाली ऊन चाहिए, तो हम बात करते हैं अगर स्वेटर के लिए अच्छी वूल चाहिए तो वो कैसे होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए, लॉन्ग फाइबर्स होने चाहिए. तो उसके लिए एक स्पेशल ब्रीड जो पाली जाती है वो जम्मू कश्मीर से, वहाँ पर जो ऊन प्राप्त होगी उस सीप से वो द बेस्ट होगी. तो यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए हैं, जैसे रामपुर बसायर एक ब्रीड है इसके सीप की, रामपुर बसायर, इससे ब्राउन फीस फीस बोले तो जो बाल है भेड़ के वो थोड़ा स्किन
के साथ उतारे जाते हैं, जैसे इस फ्लीस बोलते हैं उसे। तो देट मीन आप इससे कितना समझ सकते हैं कि जो बाल है वो ब्राउन कलर के होते हैं। ये भेड़ जो है उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। एनदर नैली, इससे जो वूल मिलती है वो उससे कारपेट ज्यादा बनाने काम आती है, वो ज्यादा चीनी होती है और थिक भी होती है। राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। लोही, लोही इससे गुड क्वालिटी वूल प्राप्त होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है भेड़। नाउ अगली ब्रीड है बकरवाला, वूलन शॉल बनाने के काम आती है। जम्मू एंड कश्मीर में ये पाली जाती है। पटनवाड़ी, पटनवाड़ी हौजरी, हौजरी छोटे छोटे बच्चों के जो रेडीमेड टाइप के कपड़े होते हैं तो सर्दियों के लिए, तो एक तरफ से तो फ्लीसा लगता है, दूसरी तरफ प्लेन होता है। दैट मीन्स ये भेड़ जो है गुजरात में पाली जाती है। दूसरा और ये मारवाड़ी, मारवाड़ी की जो कुल होती है वो भी कोर्स खराब अच्छी नहीं होती ज़्यादा पाली की, वो भी भेड़ गुजरात में पाली जाती है। ठीक है, और बहुत सारी डेवलपमेंट कर दिए जाते हैं, जैसे हाइब्रिड्स, हाइब्रिड करके ब्रीड्स और अदर ब्रीड्स। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अगला प्रोसेस की। अगला प्रोसेस शियरिंग, अगर भेड़ के बाल बड़े हो गए, गर्मियों का सीजन आ गया, सर्दियां निकल गई, तो भेड़ को अब कोई नुकसान नहीं है सर्दी से। इन दैट केस भेड़ के ऊपर से जो फ्लीस बोलते हैं ये स्किन की पतली लेयर के साथ, पतली लेयर के साथ साथ स्किन की बहुत पतली लेयर जिसके बाल जुड़े रहे अलग अलग फैले ना। अगर मान लो स्किन नहीं आएगी तो सारे बाल फैल जाएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी सफाई वगैरह में, तो क्या होगा फ्लीस। तो इस छोटी सी थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ साथ उसे मशीन से उतार लिया जाता है। दिस इज दैट इज कॉल्ड शियरिंग। अब आता है वॉशिंग और स्कूलिंग। वॉशिंग, अब जो शियरिंग किया था जो स्किन के साथ एक पतली स्किन की लेयर के साथ साथ जो फ्लीस उतारी थी, तो उसको क्या करते हैं वॉश करना होता है। तो सोप सॉल्यूशन में बहुत बार बार डिपिंग डिपिंग बार बार सफाई करना, सफाई करना बहुत बार, और फिर साफ सफाई किया जाता है इसको। तो वॉशिंग करने के बाद ये है द शियर्ड स्किन विद हेयर एयर इन वॉश वेल विद सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोप सॉल्यूशन से धोने का रीजन है क्योंकि कुछ तो भेड़ है अपनी तरफ से उनका प्रोटीन का कुछ आदर से डाइट और ग्रीस ऐसी चीजें लग जाती हैं जिससे वो छूट जाए साबुन से, डायरेक्ट ग्रीस को साफ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर स्कोरिंग द हेयर आर देन ड्राई। अब वो अच्छी तरह से ग्रीस वगैरह छुड़ा के साफ कर दिया तो उसको फिर सुखाया जाता है। देन जब ये सुखाकर साफ कर दिया तो अब पॉइंट चलता है हमारे पास कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? द क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर्स। कार्डिंग, कार्डिगल मतलब वो अलग चीज होती है। तो यहां बात करें कार्डिंग, वर्ड याद करो कार्डिंग, कार्डिगल से याद करो कार्डिंग। कार्डिंग है जो हमने फ्लीस निकाली थी उसमें जो ईयर्स निकले थे उनको जो साफ किया स्कोरिंग करके, फिर उनको सीधा करना। क्या करना? सीधा करना। तो जो वूल फाइबर्स हमने निकाले थे तो लाइट एंड व्हाइट कलर के होते हैं, सॉरी पहला पॉइंट कार्डिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं पास करो रोलर्स। रोलर्स समझते हैं जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, उनके बीच में से गन्ना निकलता था, चल के पतला हो जाता है, सीधा होकर निकल जाता है। तो मतलब उसका रोलर्स के बीच में से निकालने का मेन पर्पज होता है, एक तो अगर वो ऊन में कोई प्रॉब्लम्स है सरफेस पर तो वो दब के चिपक के बिल्कुल प्लेन हो जाती है, दूसरी अगर कोई अननेसेसरी चीज़ें तो छूट कर बाहर भाग जाती हैं, कोई डर्ट पार्टिकल ऐसा चिपका है जो जरूरत नहीं थी, तो वो रोलर के अंदर से निकलते ही वो बिल्कुल साफ हो जाता है और सीधे हो जाते हैं फाइबर्स। दैट इज कॉल्ड कार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो जब इसकी कार्डिंग हो जाती है तो दोबारा स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग वही सफाई करने का है। नाउ इसके बाद है डाइंग, डाइंग मतलब कलर करना। तो वूल फाइबर्स ऑफ लाइट एंड व्हाइट कलर्स आर डाइड इन डिजायरेबल कलर्स।
जैसे जैसे उनकी कलर की डिमांड होती है वैसे वैसे कलर उसको डाई कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्पिनिंग एंड वीविंग। अब स्पिनिंग और वीविंग से पहले हम आपको बोलेंगे कि वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटनिंग कॉम्ब एंड रोल्ड इन यार्मिंस धागा, यार्मिंस धागा। नाउ जो वूल के फाइबर वूल फाइबर थे उनको सीधा किया गया रोलर के थ्रू भी सीधा किया गया था, उसके बाद उनको क्या किया कॉम्बिंग किया गया कॉम्बिंग कॉम्ब और रोल इन टू यार्न। अब कॉम्बिंग क्या है कॉम्बिंग जब जो धागे रोलर के थ्रू बाहर निकले थे वो सीधे हो करके अब कई बार क्या है एक दो ओवरलैप हो जाते हैं तो वन बाई वन बिल्कुल अलग अलग पैरेलल करना हर धागे को हर फाइबर को अलग अलग सीधा करना दैट इज कॉल्ड कॉम्बिंग। और कॉम्बिंग करने के बाद उसमें जो धागा बना दिया गया है अब उसमें से थोड़ा सा सिलेक्शन होता है बनने के बाद एक जो फाइबर है अच्छी क्वालिटी के हैं लॉन्ग फाइबर्स हैं आर लॉन्ग फाइबर्स गिव वूल यार्न फॉर स्वेटर्स स्वेटर्स वगैरह के लिए ये चीज प्रयोग किया जाते हैं लॉन्ग फाइबर वाली वूल को। शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ और वो वूलन क्लॉथ में स्पन कर देते हैं जो छोटे छोटे फाइबर हैं। ओके थैंक यू बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।